योग करना शुरू करो, रोगों से दूर रहो। योग करना शुरू करो, रोगों से दूर रहो। योग से खुद को स्वस्थ बनाओ, योगासनों से लाभ उठाओ। इस दुनिया में योग ही है साधा, इस दुनिया में योग ही है साधा, स्वस्थ रहने का उपाय। अरे एक काम करने जा रहा हूँ, पीछे से क्यों बुलाते हो? ऐसा कौन सा बड़ा काम करने जा रहे हो? कचरा तो फेंकने जा रहे हो ना? ये कचरा फेंकना तो बहुत बड़ा बात नहीं, बहुत छोटा बात है ना। पहले तुम ये बताओ मुझे पीछे से क्यों बुलाते हो? सुबह सुबह इतना हल्ला, शांति से सोने भी नहीं देते हैं। हाँ भैया, पापा इतना चिल्लाते हैं, सिर में दर्द हो रहा है। रात को मैंने 3 बजे में सोया है और सुबह सुबह उठने लगा। हाँ भैया, हेलो मिसेस बोरा। हेलो मिसेस बायन। हाँ बोलिए। बोरा है क्या? नहीं, वो बाहर गए हैं। ओ हाँ हाँ, वो मतलब हमारे उनको पता नहीं क्या हुआ है, आजकल कुछ भी पूछो तो हूँ हाँ इसी में जवाब देते हैं। हाँ अगर हो सके तो आप बोरा जी को हमारे घर में भेज देंगे क्या? ठीक है, मैं बोल दूंगी। आइए बैठिए, आप लोग बात कीजिए, मैं चाय बना के लाती हूँ। बैठिए जी। तो तबीयत कैसी है अभी आपकी? हाँ पहले से बेहतर है। इस समय पर भी बिस्तर पर बैठे हुए हैं, तबीयत पूरी तरह सही नहीं है। हाँ यार पहले से ठीक ही हूँ, लेकिन बहुत चिंता हो रहा है। चिंता? किस बात की चिंता? क्या कहूँ, जिंदगी में जिस तरह सोचा था उसी तरह कुछ नहीं हुआ। बच्चों को भी ठीक तरह गाइड नहीं कर पाया, सोचकर बुरा लगता है। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। लड़का परीक्षा में कम नंबर पाया, इसलिए कहीं भी सीट नहीं मिला। इधर लड़की को देखिए, गाना बजाना पढ़ाई कहीं भी मन नहीं है। इस हालत में क्या कहूँ। लेकिन बीवी तो आपको आपकी पसंद की मिला है। अरे क्या कहूँ, मुंह से बकबक करने के बजाय घर को संभालते तो आज मेरे घर पहले से अच्छा होते। अच्छा, इसीलिए आप गुस्से में रहते हैं। ठीक कहा आपने, ऐसी परिस्थिति में गुस्सा आना लाजिम है। पर बहुत कुछ ऐसी बातें हैं। और बहुत कुछ बातें? कैसी बातें? क्या कहूं, छोटे उम्र से मैंने एक क्लास 1 अफसर बनना चाहता था, ये तो नहीं हो पाया। आज तक प्रमोशन भी नहीं हुआ। धीरे धीरे आंखें कमजोर हो रहा है, उम्र भी बढ़ रहा है, कुछ ही दिन बाद दांत भी गिरेगा, तो क्या कहूं। आपकी और मेरी कहानी एक जैसी है। आपकी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है मेरे जिंदगी में भी वैसा ही हो रहा है। पर आपको तो कभी गुस्से में नहीं देखा। मेरे हाथ में एक अद्भुत प्रदीप है, अलादीन का चिराग, और वो चिराग जब तक मेरे हाथ में है मेरी जिंदगी में कभी भी अंधेरा नहीं छा सकता। सच में? क्या है ये चिराग, मुझे भी समझाए तो। सिर्फ समझाऊंगा नहीं, आपको भी एक दिन उस चिराग की रोशनी से मिलने की सुविधा कर दूंगा। आपको सिर्फ मेरे साथ चलना होगा। हाँ मैं जरूर जाऊंगा जी।
किसका फोन आया? हेलो दादी। हेलो हेलो पिंकी, मेरी माँ। कैसे हो? पापा बीमार है। पापा को बीमार हुआ है? उस दिन सर दर्द के कारण गिर गए थे। बड़ा अंकल डॉक्टर लेके आए थे। हाँ, अब थोड़ा सा आराम मिला है, पर बात ज्यादा नहीं करते। आप कैसी है दादी? ठीक हूँ। हाँ ठीक है दादी, फोन रखती हूँ। रखो रखो, रुको रुको, मेरी प्यारी सी बेटी। थैंक यू दादी, बाय। ओ बड़ा जी, आइए आइए बैठिए। क्या कर रहे हैं? बस अखबार पढ़ रहा हूँ। हाँ, आपका तो चारों तरफ अच्छा ही अच्छा है। अखबार पढ़ते समय, खाना खाते समय, चाय पीते समय, मतलब समय मजे से ही आप व्यतीत कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे आपने तो कहा था मुझे अलाउद्दीन का चिराग दिलाएंगे। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, लेकिन आप चिराग को प्यार से तो रखेंगे ना। अरे अलाउद्दीन का चिराग मिलने से तो उसे लाल प्यार से रखेंगे, इस्तेमाल करने के बाद गोदरेज में संभल के रखेंगे। नहीं रख पाएंगे, ये चिराग गोदरेज में नहीं रख पाएंगे। तो ये है क्या? ये प्राचीन भारत का गौरव योग है। इसके जरिए व्यक्ति मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली हो सकते हैं। इसके जरिए एक खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। सच में ऐसा हो सकता है? बिल्कुल सच है। मैं आपको मेरे योग गुरु से मुलाकात करवाऊंगा, आप चलेंगे ना? आपने बोला ना, मैं जरूर आऊंगा। देखते हैं ये योग क्या है। बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हैं, बैठिए, ये अखबार पढ़िए, मैं आपके लिए चाय लेके आता हूँ। ठीक है। देखते हैं, जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। अच्छा सुनो, कल सुबह जल्दी उठना होगा, योगगुरु के पास जाना है। ठीक ही है, उसके बाद मैं भी जाऊंगी, मेरे भी कमर में दर्द होता है, योगा करने से शायद ठीक हो जाएगा। हाँ देखते हैं। तो ठीक है, कल सुबह मुझे जल्दी उठा देना। हाँ ठीक है, तो आ जाओ। योग करना शुरू करो, रोगों से दूर रहो।
बोला था योग सेंटर के बारे में, यही है। चलिए अभी हम उष्टासन करेंगे। मैं जैसे बोलूंगी ऐसे ही करना है। अभी हाथ ऐसे करो, अभी नील डाउन पोजिशन, अभी एक एक हाथ को पीछे लेके जाओ, एड़ी का ऊपर, पेट को आगे निकाल दो। ओ बड़ा जी आइए। जी बैठिए। ये हमारे मित्र बायन। हेलो सर, नाइस टू मीट यू। आप लोग बैठिए, पल्लवी जी क्लास ले रही है, मैं इसको बुला। जी जी। एक्सक्यूज मी, मैं बड़ा जी आया। ठीक है बैठने दो, मैं आ रही हूँ। अभी रिलैक्स करो तुम लोग। मैं बोल के आया हूँ, मैम क्लास ले रही है। हमारे योगा टीचर पल्लवी सैकिया, वो सेकंड टाइम्स नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है, असम योगा सम्राज्ञी, नोन एज योगा गुरु ऑफ असम। तो अच्छा लगा आप लोग यहाँ आया है। बैठ जाओ वज्रासन में। अभी तुम लोग शवासन करो। शवासन करो। शवासन में लेट जाओ, रिलैक्स करो। बॉडी को लूज करना, पाव खुल दो थोड़ा। लॉन्ग ब्रीथ इन एंड स्लोली आउट। ठीक है तुम लोग ऐसे शवासन में लेट जाओ। इसलिए योगा करना चाहिए। ये है हमारा योगा गुरु पल्लवी सैकिया। नमस्ते। नमस्ते। बैठिए बैठिए, बैठ जाइए। तो बड़ा जी, आप गायन जी को हमारा सेंटर में लेके आए तो बहुत अच्छा लगा है मुझे। बड़ा जी ने बोला है योग के द्वारा शारीरिक मानसिक आदि सभी प्रकार के समस्याओं से परित्राण पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है ये। तो मुझे योग के बारे में बताइए, योग क्या है? ठीक है, तो आप योग के बारे में जानने के लिए आए हैं, मुझे अच्छा लगे है। हाँ। योग ये है कि हमारा आत्मा और परात्मा का मिलन होता है। हमारा देशों में योग दो भागों में विभक्त किया है, एक राजयुग है एक हठयुग है। राजयुग मन शुद्धि का ऊपर निर्भर करता है और हठयुग पूरा शरीर का शुद्धि का ऊपर निर्भर करता है। शरीर मादंखलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर साधना का आधार है। इसलिए शरीर रूपी आधार को सुदृढ़ करने के लिए हठयुग करना जरूरी होता है। पर मैं इस उम्र में योगा कर सकता हूँ क्या? एक बार मुझे माइलस्ट्रोक भी हुआ था। आपका शरीर में जो बीमारी है उसे ठीक करने के लिए तो योगा जरूरी होता है। आसन, प्राणायाम और ध्यान के जरिए मैं बहुत उपकृत हुआ हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। वो तो है, मैं जान गया हूँ। तो मैं कब से आऊँ? तो कल से आइए, सुबह या शाम कोई भी टाइम पे आप आ सकता है, लेकिन सुबह आने से आपको ज्यादा फायदा होगा, तो आप सुबह आ जाइए। अच्छा। गज्जू। हाँ माँ, आया। हाँ माँ बोलो। पिंकी बोले थे पापू बीमार है, एक खबर लेना था। मुझे तो चिंता हो रही है। तुम एक काम करो तो पिंकी को फोन लगाओ। लगा दो। हेलो दादी। हाँ पिंकी, लो दादी से बात करो। ये लो माँ। हेलो पिंकी, मैं दादी बोल रही हूँ। पापा की तबीयत अब कैसी है? पापा पहले से बेहतर है। आजकल पापा ने योगासन शुरू किया है। क्या योगासन? किसने सिखाया ये सब? कहीं हाथ पैर टूट जाए तो?
तुम्हारी माँ ने मना नहीं किया पापू को? माँ को भी अच्छा लगा है। तुम्हारी माँ के दिमाग में कुछ नहीं है, ठीक है? हाँ ठीक है दादी, मैं बता दूंगी। रखती हूँ अब, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। माँ क्या हुआ? पापू ऐसे ही बीमार है। हाँ। ऊपर से योगासन शुरू किया है, कुछ हो जाए तो कौन संभालेगा? वो सब छोड़, चल कुछ खा लेते हैं, ये काम मैं बाद में करूंगा। चलो ठीक है। आप लोगों का आज पहले दिन क्लास है? जी मैडम। तो अच्छा लगा है मुझे आप क्लास करने के लिए आया है। तो आए गया तो योग के बारे में जानना जरूरी है ना? तो आप लोग तो संस्कृत जानते हैं, संस्कृत सब्जेक्ट है, तो सुना है ना सब्जेक्ट के बारे में? हाँ, संस्कृत। वही संस्कृत जो उस धातु से जुग शब्द का उत्पत्ति हुआ था। महामुनि पतंजलि ने 2200 साल पहले योग का आविष्कार किया था। जुग का मतलब है सांस, शरीर और मन का मिलन, मतलब आखिर में ये होता है आत्मा और परात्मा का मिलन होता है। जुग और जुग अलग है, अगर आप लोग आसन भी करेगा वो भी अलग है। जुग और जुगासन, जुग शरीर मन और सांस का मिलन है, वही जुग और जुगासन वही आसन होता है। जो पोजीशन में हम 1 मिनट या 30 सेकंड हम स्थिर होके बैठूंगी, एक पोजीशन में बैठ जाऊंगे, वही जुगासन बोलता है। जुग का 8 अंग है, इसको बोलता है अष्टांग, अष्टांग योग। 8 योग का नाम होता है जम, नियम, आहन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये अष्टांग योग हो गया, समझ गया ना आप लोग अष्टांग योग? तो ये अष्टांग योग हो गया। तो आज हम प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम इसलिए करता है, हम जो सांस लेते हैं सोते हैं, सांस प्रश्वास का एक अच्छा तरीका है। अंदर का जो बीमारी है, जो सांस लेता है, जो सांस सोता है, वही प्राणायाम से हमारा अंदर का बीमारी दूर हो जाते हैं, हम निकाल देते हैं शरीर से। तो हम आज वही सांस प्रश्वास का जो तरीका है, मतलब हमारा अंदर का जो स्ट्रांग, अंदर का इंटरनल जो फिट करने का जो तरीका है, वही है प्राणायाम। तो हम आज प्राणायाम करूंगी। बड़ा जी आज कौन सा प्राणायाम करेगा? अनुलोम विलोम ही करते हैं। जो अनुलोम विलोम प्राणायाम है वो करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन मतलब रक्त प्रवाह अच्छा हो जाता है। जो जो हृदय मतलब हृदय का प्रॉब्लम होता है, कोई का बीमारी होता है हार्ट में, हृदय में, तो वो सब अच्छा हो जाता है। तो इसलिए हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं। तो मैं जैसे दिखाऊंगी ऐसे ही करना है, इधर उधर गलती करेगा तो अच्छा नहीं होता है, जुग में भी वियोग होता है। तो प्राणायाम में जैसे करूंगी आप लोग भी ऐसे ही करना। ठीक है मैडम। गज्जू, गज्जू। हाँ माँ। चल जल्दी चल, नहीं तो रेल छूट जाएगा। हाँ माँ आ रहा हूँ। हम अभी शवासन करेंगे, 10 मिनट के लिए शवासन करेंगे, मतलब विश्राम करेंगे जी। पूरा
थोड़ा शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। दोनों हाथ पांव को खोल दीजिए। हाथ को भी थोड़ा खोल दीजिए। आपके मन में अभी कोई भी चिंता नहीं आना चाहिए। जितना आपका मन में चिंता था वो सब दूर कर दीजिए। एक लंबी गहरी सांस अंदर, सोरे बाहर। इतनी देर हो गई, जल्दी चलना चाहिए ना। कब से बोल रही हूँ, ऐसे कैसे पहुंच पाओगे। चल धीरे चलो, पकड़ लूंगा। जी बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं ज्यादा सो गया ना? ज्यादा ही सो गया आप। ओहो, नींद आ गया था। अब चलिए, ज्यादा देर करने से ऑफिस मिस हो जाएगा। हाँ चलिए। ध्यान कर लिया आपने? हाँ, ध्यान करते समय मन को बहुत शांति मिलती है। भगवान के आशीर्वाद से मन बिल्कुल भर जाता है। ठीक ही किया। वैसे बायन जी कितना योग सीखे हैं? उनका योग में इंटरेस्ट है, वो बहुत जल्दी सीख रहे हैं। ठीक है। आप क्या बोल रहे हैं, आप है कौन? मैं पप्पू बायन का छोटा भाई हूँ। अच्छा, नमस्ते। अभी थोड़ा विस्तार से बोलिए तो, बात क्या है? देखिए, आपके कारण ही हमारे घर में अशांति फैला हुआ है। जो बोल रहा हूँ वो सुनिए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। योग करना शुरू करो, रोगों से दूर रहो, योग से खुद को स्वस्थ बनाओ।